नमस्कार नयन, कैसे हो? बच्चों सब ठीक हो? क्लास सिक्स के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, किसान और चरवाहे। ठीक है, इस चैप्टर में आप जानेंगे, ये जो बुक है वो आपका लेटेस्ट बुक है, आपका बुक है, इससे पहले जो बुक पढ़ा, इससे पुराना बुक से आपने पढ़ा, वो बुक अब तक अवेलेबल नहीं था, नया बुक आ चुका है। तो इस बुक के अनुसार ही आपको पढ़ाया जाए चैप्टर 3, किसान और चरवाहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय में आप पढ़ेंगे, सबसे पहले इस अध्याय में जानते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले नौ पाषाण युग, सांप्रदायिक जीवन, कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार और धार्मिक विश्वास जो आदि मानव का हुआ है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आदि मानव में ही हमने इसकी जिक्र कर दिया है, फिर भी इस चैप्टर को अलग पढ़ना है, ध्यान से देखिए। नौ पाषाण युग की शुरुआत करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसकी चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है रहस्य। रहस्य क्या होता है बच्चों? रहस्य किसी चीज़ को जो बिना जाने रह गई है उसे कहते हैं रहस्य। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उस वो चीज़ क्या है? रहस्य। जिसे बर्मुडा ट्रायंगल जो अंटार्कटिक महासागर में है, बर्मुडा त्रिकोण जो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा रहस्य है, वो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। 200 वैज्ञानिक जाए, आज तक कोई जिंदा वापस नहीं है। तो दुनिया का अजूबा रहस्य। इसके बाद क्रांति। क्रांति कहता है एक नाटकीय और पहुँचने का परिवर्तन। ठीक है, क्रांति। और वातावरण के अनुकूल वश बनाए रखना, जो पालतू जानवरों को पालना है, कृषि के लिए उनका उपयोग करना है। शिल्पकार, एक कुशल शिल्पकर्ता होता है जो चित्रकारी करता है, कोई बड़ा आपको पेंटिंग करता है, कोई आपको बुनकरी करता है, कोई वस्त्र बुनता है, ये सब शिल्पकारी में आते हैं। कोई टोकरी बनाता है, ये सब क्या बच्चों? शिल्पकारी में आते हैं। अब आते हैं नौ पाषाण युग। नौ पाषाण युग जिसकी शुरुआत हमने पहले ही बताया था, इससे पहले वाले चैप्टर में नौ पाषाण युग की शुरुआत जो होती है 10,000 वर्ष पहले हुई है। हमारे पूर्वज ने भी नौ पाषाण युग की खोज की है। कुछ प्रमुख उपलब्धि नौ पाषाण युग में आदिमानव को मिला ये है उपलब्धि, पहिए का आविष्कार, कृषि की शुरुआत और मिट्टी के बर्तन बनाना। उससे पहले मानव जानते हो आदिमानव क्या करता? शिकार करता था, जानवरों का कच्चा मांस खाता था। सभी ने मनुष्य तो जीवन को पूरी तरह बदल दिया। ये जितने भी घटनाएं हुई, पहिए का आविष्कार जिसके कारण यातायात संभव, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, कृषि की शुरुआत हुई जिसके कारण उनको भोजन अनाज मिलने लगा, जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया, उनको पालना शुरू कर दिए, मिट्टी के बर्तन जिनको वो पकाने का उपयोग उसमें सामान को रखने के लिए और घरेलू कार्य में करने लगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें बोला है नौ पाषाण युग में मनुष्य पहला कदम उन्नति की ओर बढ़ा। मनुष्य ने अपने अनुभव से बहुत से तरह के पत्थर को औजार में बना चुके थे। कौन कौन से पत्थरों से औजार बना चुके हैं उसको आपको थी कुल्हाड़ी, भाले, तीर, धनुष, हसिया, ऐसे बहुत से जो पत्थरों से औजार बन चुके थे। ये औजार बहुत तेज थे, धारदार थे, पॉलिश करने वाले थे और इस तरह के औजार से उपमहाद्वीप में थी बहुत से जनजाति भी आजकल उपयोग करते हैं। इसे आपको बुराहम गुफरेल जम्मू कश्मीर के चिरकांड, बिहार के पिकलीहाल और मासी कर्नाटक में। तो ये ऐसे जनजाति जो है इनकी धारदार हथियारों का आज भी उपयोग करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी वो आज भी उपयोग करते हैं। अब आते हैं सामुदायिक जीवन। नौ पाषाण युग में इनका सामुदायिक जीवन क्या है? नौ पाषाण युग में मनुष्य को बेहतर संगठित और व्यवस्थित समुदाय में रहना था, इसलिए वो निजी स्वामित्व की धारणा नहीं थी। मतलब भूमि किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो सबके लिए था। आज क्या है, भूमि को हम लोग बंटवारा कर ले कि मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन, ये कृषि योग्य, ये भूमि मानव बसाव है, ये उद्योग के लिए, उस तरह पहले आदिमानव में ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, समूह सदैव सभ्य और सामाजिक सनातन रहते थे। समूह सबसे बड़ा मजबूत व्यक्ति नेता बनता था, जिसे समूह का जो सबसे हेड हो, जो ताकतवर हो, जो ज्ञानवान हो, वही उस वक्त का नेता बनता था। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र के तट के पास रत्नापुरी गुफा में है बहुत संख्या में पाषाण युग के उपकरण जली हुई स्थिति में मिले हैं। पाषाण युग के जो भी उपकरण वहाँ पर है वो जली हुई अवस्था में आज भी उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये औजार लगभग 90,000 वर्ष पुराने। कितने बच्चों? 90,000 वर्ष पुराने औजारों की बात हो रहा है। तो जो आप कितने साल पुराने चीज़ों को पढ़ रहे हो इतिहास में। अब आते हैं कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत कैसे? नौ पाषाण युग में मनुष्य ने कृषि कैसे करते थे? हो सकता है उन्हें कुछ त्यागने और बीज उगते हुए देखे होंगे कि आसपास में
वर्षा के जो मौसम होता है तो बीज अपने आप उखड़ते हैं मिट्टी से, तो फल फूल जो खाते थे उसको फेंक देते खेतों में, तो उसके बीज जो होते हैं स्वतः उगते रहते थे। तो उसी तरह मनुष्य ने देखा कि ये फसल पे बीज डालने पे ये मिट्टी से उगते हैं, तो उस तरह उन्होंने कृषि करना शुरुआत किया। उसमें के बाद उन्हें चावल, गेहूँ, जौ ऐसे बहुत से कृषि के लिए ऐसी फसलों का उत्पादन किया। और देखा गया विश्व कि व्यक्ति जिन देशों को देखता है विश्व का पहला वैज्ञानिक होता है। मनुष्य देख कर ही ज़्यादा सीखता है, इसलिए मेसो ने कहा था कि करके सीखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह विश्व का पहला गांव न गांव जीवन जीवन रूप ने लगा, और इधर उधर जो भटकता रहता था आदिवासी वो एक जगह रहकर कृषि कार्य करने लगा, झोपड़ी में रहने लगा, जो पहाड़ों पे गुफाओं में रहता था। ठीक है, अब मनुष्य आश्वस्त हो गया कि प्रतिदिन भोजन से और उसका जो तलाश था वो खत्म हो चुका था। तलाश अपने आसपास के जो खेतों से उनसे भी खोजने लगा, और साथ ही साथ उसने जानवरों में कुत्ता, भेड़, गधा, घोड़ा इन सभी वातावरण के अनुकूल जो जानवर होते हैं जो मनुष्य के लिए हमेशा सहयोग होते हैं उनको पालना शुरू कर दिया। ठीक है, कुत्ता पहला जानवर था जिसे मनुष्य ने अपने वश में किया हुआ था। ठीक है, हम ये नहीं भूल सकते कि मनुष्य का विकास परम्परा धीरे धीरे अवस्था में होता, क्योंकि पहले मनुष्य जो था ना बंदर की तरह दिखता था, मतलब बंदर भालू इस तरह कह सकते हैं कि उसको देख कर कोई तो वो डर जाएगा। ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर में देख पढ़ा होगा कि जानवरों के आकार में दिखने वाला मनुष्य उस वक्त होता है जिसे एंथ्रोपाइडाइस कहते थे, एंथ्रोपाइड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, जानवरों के तो उस वक्त पूरे बाल चेहरे और शरीर में रहते थे, वो धीरे उस मनुष्य में परिवर्तन। अब देखो आपके मनुष्य के शरीर में आपको धीरे धीरे चेंजिंग आ गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पहिए का आविष्कार मिलता है। मनुष्य की क्रांति के लिए सबसे प्रौद्योगिकी क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया पहले पहिए का आविष्कार पाषाण युग में, जिसके कारण यातायात संभव, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का भी विचार मनुष्य को उस वक्त आया। इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने का शुरू हुआ, इसमें घड़े बनाने का काम हुआ। ठीक है, इसी काल में बहुत से मनुष्य ने शिल्पकार और कलाकार को भी अपनाया, और धार्मिक विश्वास, अभी इनका धार्मिक विश्वास कहता है तो हमने सेकंड चैप्टर में ही बताया था कि प्रकृति के प्रकोप से ये डरते थे, लगता था इनको कि प्रकृति में तो ईश्वर नाराज है, ये धरती की पूजा करते, धरती को माँ मानते थे, अग्नि के, सोम के और शिव की पूजा करते थे, धरती माँ की पूजा करते, बिजली का चमकना, भूकंप, तूफान, मौसम बदलना ऐसे चीज़ों इनके समझ से बाहर थी, ये सोचते थे ये प्रलय है और इसे उनके ईश्वर जो है वो नाराज है। सूर्य, चंद्रमा, बारिश, तूफान इन सब की वो पूजा भी करते थे, यहाँ तक वन की पूजा करते थे। और मनुष्य की मृत्यु के बाद एक अति उनके साथ उनके खाने पीने के वस्तुओं को लाकर एक बड़े से पत्थर से ढक देते थे। ठीक है, और नवपाषाण युग में मनुष्य के मृतक शरीर को फिर जलाने का काम शुरू हुआ। पहले वो दफनाते थे, अब वो उन्होंने क्या करना, मनुष्य के शरीर को धीरे धीरे जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद बर्तन, हथियार, खाने के सामान के साथ जलाने लगे, तो पहले तो उन सब चीज़ों को देख रहे थे, दफनाते थे, बड़ा सा पत्थर से ढक देते थे पाषाण काल में, लेकिन धीरे धीरे नवपाषाण काल में क्या हुआ, उनके शरीर को जलाने लगे उनके साथ। तो इस तरह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर पे हैं, तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है कि मनुष्य कौन से जानवरों को सबसे पहले पालना शुरू कर दिया। वो छोटा लेसन था, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में मनुष्य का धार्मिक जीवन कैसा रहा, किन किन देवी देवताओं की वो पूजा करता था। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, नवपाषाण काल में किसकी खोज के कारण प्रौद्योगिकी में क्रांति आई। ये तीन क्वेश्चन हुए, चौथा क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप। पौधे उगाने का क्या महत्व है, खाद्य फसलों को नाम बताएं जो आपको आदिमानव कृषि करता था, मतलब उन फसलों के नाम बताना है जो आदिमानव कृषि करता था। आज के लिए इतना काफी है, गुड बाय बच्चों।